हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट सब्जी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं किसको हमने कैसे बनाया है। और ये सिर्फ आलू से बनता है और ये सूखी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए इसको फटाफट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए आधा केजी आलू को बॉईल कर लेंगे और उसको हम छील लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई हम आयरन वाली ही लेंगे, इसमें हमारे आलू बहुत ही अच्छे से भुन जाते हैं। और अब हम 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं सरसों वाले, आधा चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे, 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे। और ये सारे मसाले भुन जाए अच्छे से, इसमें हम हाथों से आलू फोड़ते हुए तेल में डाल देंगे। जब भी आपका मन लेजी हो और कुछ बनाने का मन हो तो ये बहुत ही आसान सब्जी है। दाल चावल भी बहुत ही टेस्टी लगता है, या पूरी पे बना के आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ये मेरी बचपन से ही फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि ये सब्जी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो अब आलू को फोड़ के हम अच्छे से मसालों में भून लेंगे, ऊपर से कुछ ड्राई मसाले और डालेंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी यही खासियत है कि ये हींग वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और इसको बढ़िया से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से इसकी तेज आंच पे ही भुनाई करेंगे, तभी इसमें स्वाद आएगा। और ऊपर से हम 2 हरी मिर्च को काट देंगे, फोरन में नहीं डालना है हरी मिर्च, ऊपर से काटना है क्योंकि ऊपर से हरा हरा दिखता है तो खाने में बहुत बढ़िया लगता है, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है आलू में भूनने से। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं, इससे हमारी सब्जी खट्टी सी बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी लेकिन स्वाद बहुत आएगा। तो प्लीज़ गाइस, मेरे कहने से एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा देगी मिर्च डाल दिया है, देगी मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और अब इसको अच्छे से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। तो आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर देखिए, फुल वॉच करिए और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी तरह हम सब्जी भूनते रहेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। इस सब्जी की खासियत यही है कि जितना अच्छे से भुनाई होगा उतना ही बढ़िया टेस्टी बनेगा। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमको कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, या घर में कोई हरी सब्जी नहीं रहती है तो हम सोचते हैं कि क्या बनाएं। तो इस समय आप इस सब्जी को ट्राई जरूर करें। देख सकते हैं सब्जी अच्छे से भुन चुकी है, इसको थोड़ी देर हम और भुनाई करेंगे। और ध्यान रहे कि आंच इस समय बिल्कुल हमने तेज रखा है और वहीं पे रहना है, थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहना है। कहीं भी सब्जी को छोड़ के जाइएगा तो सब्जी नीचे से जल जाएगी। तो आलू अच्छे से भून चुके हैं और बड़े बड़े अगर क्रिस्टल हो आलू के तो थोड़े थोड़े हम स्पैचुला से दबाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है और अब चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा कितना आसान है इस सब्जी को बनाना, तो इस रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और ऊपर से थोड़े से हरा धनिया से हम सजा देंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।